ये रियासत, ये एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा दिल गुर्दा करके बताए कि कर्नल शेर की कहानी आपको कैसे पता चली कि वो इतनी दलेरी से लड़ा था। आप तो छोड़ आए थे, बुक्स मौजूद हैं जिसमें आपने मेंशन कर दिया हुआ है कि जी आपकी कोई सप्लाई लाइन ही नहीं थी वहां, खाने के लिए उसके पास 24 घंटे में एक चम्मच चीनी से ज्यादा का मटेरियल नहीं था। उसने तो अपने सारे जवानों को कह दिया कि वापस चले जाओ, मैं इधर खड़ा रहूंगा। उसकी दिलेरी की कहानी आपको ब्रिगेडियर बाजवा ने बताई जो इंडियन साइड से लड़ रहा था। एक सिख ने कहा कि कर्नल शेर बहुत दलेर आदमी है तो आपने उसको ओन किया, सोचे वो उसकी बॉडी ना वापस करते, आज आपके पास कर्नल शेर की यादगार होती? आप तो अपने 2000 फौजी को कारगिल में मरने के लिए छोड़ आए, आज आप हमसे कह रहे हैं कि इनकी यादगारों को ना नुकसान पहुंचाओ। बिल्कुल इनकी यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचा, जिन्होंने इनकी यादगारों पे अटैक किया है उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए। पर एक बार ना मुशरफ को भी मेरी तरफ से कब्र से निकाल के ट्रायल करें उसका, जो उनको सियाचिन में छोड़ कर आया था। उनको आप गॉड ऑफ ऑनर देकर रुखसत कर देते हैं? यार ये क्या बेहूदगी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे अगर अभी कर्नल शेर को भी ओन करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गार्ड ऑफ ऑनर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया था, कोई है जो उनके ऊपर कहे कि क्रिमिनल को जिसको सजा हुई थी पिशावर हाई कोर्ट से कि उसकी डेड बॉडी को भी डी चौक पे लटकाया जाए अलामती तौर पर, तो क्या उसका जनाजा बनता था? ये इसी तरह जिस तरह एक भगोड़े को सफारती पासपोर्ट दे दिया, उसको सफीर डॉक्टर वो क्या था गंजा वो भी फैसल भी मिलने जाता है वगैरह वगैरह। हमारा सेगमेंट है जनाब अली डर्टी पॉलिटिक्स। जो शॉर्ट फिल्म देखने फुल के लिए वीलॉग पे तशरीफ लाएं, आपको वहाँ पे पूरा मिलेगा। एक तो ये बात हो गई, हमारा आज का टॉपिक क्या बिलों से शुरू करें क्या ना, कहाँ से शुरू करें, अपनी तो समझ से बाहर था। एक मैंने देखा था वो कत्ल वगारत हुई थी तो मारा किसी ने, नुशारे में बेला आ गया तो मारा तो बंदा बंद कर दिया। ये छोटी सी एक बच्ची है जिना बेले, ये देखो पुलिस वाले ने पकड़े भी। उधर अभी भी कोई इंसानियत है क्योंकि इधर तो बगैरत आई जी लगा हुआ है। नुशारे पुलिस के हेड कांस्टेबल बहादुर और ज़दा मियाँ मेरे का थाने का नाम, जो आजकल जुडिशल कचहरी अवलाद में तैनात है, सुबह नुशारा जुडिशल लॉकअप के फलाना फलाना फलाना, तो ऐसे रिक्कत अमेज थे, बीवी मिलने आई रोटी शोटी देने आई होगी तो ये बच्चा उसने गोद में पकड़ लिया। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक और मुझे किसी ने भेजा था, वहाँ पर खश्तबारी से वो बंदा मर गया तो ज़ख्मी भी हो गया। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा से आ रही, बिजली का बिल ज़्यादा आने पर एक ही घर में बिल ना भरने पर वगैरह वगैरह गोलियां चल गई, 8 अफराद जहां भाग। ये यूट्यूब की पॉलिसी है लेकिन ये भाई क्या हालचाल है? खैरियत है? थोड़ा भाई ये केपीके में लगा है हरिपुर का, हरिपुर में ये आपस में झगड़ा हुआ है बिजली के बिल के ऊपर। ये मेरे घर इकट्ठे रहते थे तो बिजली का बिल आया है तो ना, बिजली का बिल ज्यादा आता, मैं ब्लड का है ना तो फिर वो कहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्शन, बच्चों ने भी देखनी होती वगैरह वगैरह। हरिपुर वही है कि जो लेफ्ट रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन तिरमिजी जो मंशियात का धंधा करते हैं और उससे पैसे भी कैप्टन सफदर को भी देते हैं, मरियम को भी देते हैं, नवाज शरीफ के भी अखराजात, ATM है ना उनका, ये वो इलाका है। अच्छा जी, ये तो ये बात हो गई। पाकिस्तान में हालात किस किस कोर्ट का लफज बुरा नहीं, रंडी रोना रोए। इस वक्त जो है आरएफ अलवी को सही लितर पड़ रहे, सही बिल्कुल, क्योंकि अपना रोल ही नहीं अदा कर रहा था वो, और उसका मुकाबला हो रहा इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट से भी है, आरएफ अलवी से भी है। सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला उसकी मतदाद अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कब कर रहे हैं, जान के डिले करी जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे केस कुछ और है, कुछ हमारे वकला जो हैं खान की टीम वो भी नली दली है, फिर ख्वाजा साहब भी अलहदा हो गए हैं और बीच में दूसरे धड़न तख्ता आ गए तो वो भी हमारे वकला ही आपस में मिस। ये क्वालिटी नवाज शरीफ और मरियम में है, वहाँ बैठाती है और
स्ट्रेटजी बनाती है, प्लानिंग बनाती क्या करना है, तो किस तरह धावा बोलना, सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल करूँगी, आप बताओ आप क्या करोगे, फिर वह प्लानिंग होती। या ख्वाजा साहब रोस के बैठ गए, वो शेर अली वो अलहदा हो गया तो ये अलहदा हो गया, तो अलहदा हो गया और इलेक्शन की तरफ कोई नहीं जा रहा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे भी लग गई, सुप्रीम कोर्ट के पीछे भी लग गई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो तो होल्ड की हुई, अलवी के पीछे भी लग गई है, कर इस्तीफा दो के तो मैं नहीं दे रहा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, वो मैंने आपको पिछले क्लिप में भी बताया था, लेफ्टिनेंट कर्नल इनाम को वो लगा दिया है, G1 ब्रांच खोली है, तो उसमें वो सिर्फ कोर्टों को हैंडल करना है, एक लेफ्टिनेंट की मार है, वो यूं यूं करके ना लटकते पकाने की तरह पीछे पीछे फिरेंगे। एक तो ये बात करनी, एक मैं बात करनी भूल गया था, हमारे कुछ में छुट्टी पे भी मैं चला गया था बटग्राम में, अब सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कह रहा ISI ने निकाले, वो कह रहा कमांडो ने निकाले, जिनके बच्चों को हमने पढ़ाना वो चांद पे चले गए, इतना हमने पढ़ाया, तो यहाँ पे दो हीरो पेश किए जा रहे, वो कौन है, किस तरह हुए। और मैंने कल अपनी बेटियों को दिखाया, उनको डरा रहा मैं, कहा इसके ऊपर ना बैठना, कहा रहे करो कहीं कहीं भी, आमतौर पर इंश्योर्ड मामला होता है तो जिसकी वजह से ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बड़ा ख्याल रखता है। पाकिस्तान में तो रेलवे लाइन को लकड़ी का गुल्ला दे के तो ठोक दिया, वाह भाई वाह, बजाय वहाँ पे शीट लगाते वेल्डिंग।